रुकने का नहीं ले रही नाम दशहरा है जिसका नाम। जी हाँ गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं दशहरा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जैसे कि आज डे 5 है, तो देखते हैं कि इसने आज तक कितना कलेक्शन किया है। तो इसने, जैसे कि आपको पता ही है, फर्स्ट डे जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो 38 करोड़ का रहा था, जिसमें कि 10 करोड़ वर्ल्ड ओवरसीज से आया था। बात करते हैं इसके सेकंड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो सेकंड डे इसने लगभग 13 से 14 करोड़ की कमाई करी थी, और जिसके साथ ही साथ अगर बात करें इसके दोनों दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो लगभग हो गया था वो 51 करोड़। और अगर बात करते हैं इसके तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन इसने कमाए थे 20 करोड़ रुपए, जिसके साथ ये 3 दिनों में 71 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाब हो चुकी है। जी हाँ गाइस, 3 ही दिनों में इसने 71 करोड़ कलेक्शन कर लिया है। और आपको पता ही है, नानी की है मूवी जो है कि वो केवल 65 करोड़ के बजट से बनी थी, तो इसने बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस पे अपने कलेक्शन को क्लियर कर लिया, तो ये मूवी हिट हो चुकी है ऑलरेडी। बात करते हैं इसके चौथे दिन के बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इसने लगभग बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस पे 20 करोड़ का कमाई करी है, जिसमें कि 15 करोड़ इंडिया नेट है और 5 करोड़ ओवरसीज से आया है। तो इसके चौथे दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस बर्ड बैड जो कलेक्शन है वो 91 करोड़ हो चुका है। अब बात करते हैं इसके पाँचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वो रहा लगभग 7 करोड़ इंडिया नेट, और अगर बात करें इसके बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो लग वो हो जाता है लगभग 10 करोड़, जिससे कि यह मूवी आज टोटल जो कलेक्शन है वो 101 करोड़। जी हाँ गाइस, 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है नानी की मूवी। और ये नानी एंड कीर्ति सुरेश की एक्टिंग की वजह से है, जो कि आपको पता ही है, नेचुरल सुपरस्टार बोलते हैं नानी को। और जी हाँ गाइस, इसने 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली मूवी बन चुकी है। तो आशा करते हैं गाइस आपको अच्छा लगा वो वीडियो। तो थैंक यू सो मच।